क्या सिमट गई है आजादी बस बातों में और पन्नों में, क्या उलझ गए हो तुम भी अब इन हर रोज के दंगों में, क्या भूल गए हो तुम अब हमारा भारत महान है, या भूल गए तुम जिंदा हो यहाँ क्योंकि सरहद पर किसी का बलिदान है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और सलामे इश्क में आपका स्वागत है। आज मैं जिस शब्द के साथ आई हूँ वो एक ऐसा शब्द है जिसे सब चाहते हैं, पर उसे पाने के लिए हम कभी सही तो कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं। इतना मत सोचिए, वो शब्द और कोई नहीं, आजादी है। आजादी सुनने में ही बहुत हैवी साउंड कर रहा है। आजादी मतलब स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम, या यूं कहें कि जिस शब्द के अर्थ को पाने समझाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लाखों की संख्या में कुर्बानी दी। ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 5 में भी है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। हर कोई आजाद होना चाहता है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। ऐसे में किसी की कुछ बातें याद आ रही, हम क्या जाने क्या है आजादी, हम क्या जाने क्या है आजादी, हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गवाया है। सलामे इश्क में हम प्यार रिश्तों की बातें करते हैं, ऐसे में अब आजादी को चुना है तो कुछ हटकर बात करनी पड़ेगी। क्या आपने कभी गौर किया है, हम रिश्तों में प्यार में इतना खो जाते हैं कि कभी कभी अनजाने में ही अपने पार्टनर या यूं कहें कि अपने साथी की आजादी पर रोक लगा देते हैं और इसे पॉजिटिव होने का नाम दे देते हैं। पर क्या ये प्यार है? नहीं, सोचना अभी कभी, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि प्यार में एक दूसरे को पूरी आजादी देनी चाहिए, दोनों को ही अपनी जिंदगी खुल कर जिए। ये इनसिक्योरिटी का जो कीड़ा है ना, वो धीरे धीरे हमारे रिश्तों को खोखला कर देता है। शायद आप सब ये रिलेट कर पाए, अक्सर हम अपनी सोच अनजाने में ही अपने साथी पे थोप देते हैं और इसे प्यार का नाम दे देते हैं या फिर कंसर्न का। पर रिश्तों में जब आप एक दूसरे को उनकी जिंदगी अपने तरीके से जीने देंगे तो शायद बिगड़ी चीजें भी सही हो जाएंगी और वो आपके नजरिए को समझने की कोशिश भी करेंगे और फिर कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे। वैसे कुछ लोगों को देखकर एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में, क्यों हम खुद में आजाद नहीं? इस सवाल में ही जवाब है। शायद कुछ सवाल किए हैं मैंने खुद से, शायद आप भी खुद को इस कविता से जोड़ पाए। क्यों हम खुद में आजाद नहीं है, किसने बांध रखा है हमें, हमारी सोच ने या इस समाज ने? वैसे फर्क क्या पड़ता है, सोच और समाज हमारे हिसाब से कभी चला कहाँ है? जिसने जैसा बोला मान लिए, खुद के अंदर की आवाज को कभी सुना कहाँ है? बस दूसरों के फैसलों में ही हाँ में हाँ तो करते आ रहे हैं। क्यों हम खुद में आजाद नहीं है, किसने बांध रखा है हमें, क्या कमियां है हमें? देखा जाए तो कुछ भी नहीं, बस देखने का नजरिया बदल गया है। उन सपनों का क्या होगा जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, कभी सोचा है? या कल को अपने बच्चों पे अपने सपने थोपने का भी प्लान बना रखा है? हम शोर अपने भीतर लिए यूं ही चल रहे हैं और जमाने की सोच के खुद से खफा भी हो रहे हैं, या बस बेमतलब ही डर रहे हैं? एक कदम आगे बढ़ के हर बार पीछे क्यों देख रहे हैं? चारों तरफ तो सन्नाटा ही है, फिर किसकी आहट सुन के खुद को रोक रहे हैं? क्यों हम खुद में आजाद नहीं है, किसने बांध रखा है हमें? किसी ने क्या खूब कहा है,
उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज़े जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। भगत सिंह के इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबक है, जश्न आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।